टुडेज टॉपिक इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एनिमल में गैसेस एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से एनिमल में किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है प्लांट्स किस तरह से वो गेन करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन करने के लिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे रेस्पिरेशन करने के लिए, उसी तरह प्लांट्स भी यूज़ करता है ऑक्सीजन अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज़ होने वाली बात है कि आप लोग को लगेगा कि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए वही इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन को ही वो यूज़ करता है, और वो भी जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, उसी तरह वो लोग भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, किस तरह से वो CO2 रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस मैंने पहले ही बताया था, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन किस तरह से लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। प्लांट्स का जो शेप होता है वो ब्रांचिंग शेप होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह जो आपके अराइज होते हैं प्लांट से, तो ये क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि डिफ्यूज़न जो है वो अच्छे से हो सके। प्लांट्स के लिए डिफ्यूज़न जो है वो अकेला ही एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे प्लांट्स के सेल तक जो है अलोन वो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है प्लांट को रेस्पिरेशन करने के लिए। डिफ्यूज़न जो है, ये जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के सेल तक पहुंच रहे हैं, तो ये कौन कौन से पार्ट्स में ये डिफ्यूज़न प्रोसेस देखा जाता है, रूट्स, स्टेम और प्लांट्स के जो लीफ पार्ट होते हैं, इनमें डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। जिनमें हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन रूट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रूट में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो रूट ग्रो कहाँ करते हैं, सॉयल के अंदर, ये जो आपका है अंडरग्राउंड पार्ट होता है। प्लांट्स जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है एरियल पार्ट जो आपके एयर के कॉन्टैक्ट में होता है, और एक होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट जो सॉयल के अंदर ब्यूरेड रहते हैं। तो रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, तो यहाँ पे ये वो क्या है, सॉयल के अंदर है, तो सॉयल के पार्टिकल्स में वो आपके जो इंटरनल स्पेसेस होते हैं वो एयर को, आपका एक एयर को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो एयर कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉयल के पार्टिकल्स के जो बीच में इंटरनल स्पेसेस होते हैं, इंटर स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे ये एयर प्रेजेंट होता है। और रूट का जो रूट हेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि रूट का बहुत सारा आपका इस तरह से फाइन रूट हेयर्स जो है वो ग्रो करते हैं रूट में। तो रूट हेयर्स के थ्रू जो है, रूट हेयर्स वो जब सॉयल के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें जो एयर प्रेजेंट है उस एयर को डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वो अपटेक करता है। तो ऑक्सीजन वो इस तरह से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वो रूट के थ्रू वो गेन कर रहे हैं, और उसके बाद गेन करके वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट का सप्लाई करता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जब प्लांट्स में सेलुलर रेस्पिरेशन होंगे, जब उसका सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे भी वेस्ट गैस प्रोड्यूस होंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेम डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में वो प्लांट से रिलीज हो जाते हैं, प्लांट से रिमूव हो जाते हैं। जब वाटर लॉज कंडीशन होते हैं तो सॉयल में जो है एयर की कमी हो जाती है, और जब एयर का कमी हो जाता है तो
रूट का बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से जो है प्लांट्स विदर करना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लांट्स के जो लीफ वगैरह होते हैं वो झड़ने लगते हैं, उसके बाद फिर लीफ वगैरह येलो पड़ने लगता है, प्लांट्स का धीरे धीरे डेथ होने लगता है। तो ये सारे कंडीशन जो है वो वाटर लॉक कंडीशन में देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेम्स। स्टेम्स में जो है रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं, तो जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं हर्ब्स वगैरह, उनमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा, तो ये हर्बेसियस प्लांट जो है उनके स्टेम में आपका क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा के थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट से बाहर रिमूव हो जाएंगे। तो ये स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू वो सारे प्लांट पार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये सेम डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो वही सेम पोर्स के थ्रू, वही स्टोमाटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट से रिमूव कर देते हैं। तो ये आपका हर्बेसियस प्लांट में इस तरह से होता है, क्योंकि जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनके स्टेम में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन अगर हम उडी प्लांट की बात करते हैं, तो उडी प्लांट में क्या होता है, उनके स्टेम्स में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लेंटिसल्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है O2 और CO2 का। अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए,